कैसा डीसीपी साहब इंस्ट्रक्शन देते हैं? जीओ देने के बाद में डीसीपी कौन से इंस्ट्रक्शन देने वाले? क्या गवर्नमेंट का ऑर्डर के ऊपर है क्या डीसीपी तुम्हारे? रहते सस्पेंड करा दूं तुम्हारे को, जाके तुम्हारे को तुम्हारी ड्यूटी में तुम आ रहे हो यहाँ पे आके बंद करा दुकान दिखी आओ। क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। प्लीज वार्निंग दो उसको और आगे चालान करके चालान कैंसिल कराना था। अब मैं शॉप से आके ठहरा हुआ हूँ। हाँ प्लीज बहुत प्लीज दादा, उनको ऐसा ही अगर पागल हो रहे हैं आप, सही है उन पागल ही थे इसलिए कर रहा है सर जी। मैं सही को वार्निंग देता हूँ, पागल है उन्हें कैंसिल कराना है उन्हें। आवाज उसकी बात करें ना, उनके बात करा ना, दिखना नहीं दिखा तो करता ओके सर बुलाना और क्या होना क्यों परेशान हो रहे? क्या बात है यार, तुम्हारे साथ में हम लोग कितने बोले ना जी, अब जो लोग कोई दिनों आते बराबर फोन उठाते ही बोलो फोटो ले रहे हैं वीडियो बना रहे साहब। कैसा बुक कर दिया आपने? ज़्यादा करा तो पूरे लेके जाके सीपी करने बैठेंगे, बैठ के शॉपिंग करेंगे उसका। बोले चालाना भी मारे था थोड़ा भाई ये काले भी तो कुछ जो था कमिश्नर के पास बैठ के करा तो काम ज्यादा होता। सीएम को बजा के बैठता हूँ आप बोलने के बाद, जियो आने के बाद ये हरकत कर रहा है बोल के। हाँ मैं जुल्फिकार MLA बात कर रहा हूँ। नीचे करो। हाँ ये कही क्या था, दुकान बंद करा रहे आप? हाँ कैसा डीसीपी साहब इंस्ट्रक्शन देते आपको? हेलो कैसा डीसीपी साहब इंस्ट्रक्शन देते हैं? जीओ देने के बाद में डीसीपी कौन से इंस्ट्रक्शन देने वाले? क्या गवर्नमेंट का ऑर्डर के ऊपर है क्या डीसीपी तुम्हारे? रहते सस्पेंड करा दूं तुम्हारे को, जाके तुम्हारे को तुम्हारी ड्यूटी में तुम आ रहे हो यहाँ पे आके बंद करा दुकान दिखी आओ आओ। अब मैं आओ यहाँ तुम बंद कराओ, देखेंगे तुम्हारा कितना था, मैं आके बंद करा पे। हाँ पूरा पान शॉप बंद करा मैं। वो बाहर शॉप बंद करो, पान शॉप नहीं बंद कर सकते तुम, कोई दुकान बंद नहीं कर सकते। जियो पढ़ना आता तुम्हारे को, ऑल एस्टेब्लिशमेंट बोल के लिखा हुआ है जियो में, तो कैसा डीसीपी बोलते बंद करा बोल के? ये बेकार बात नहीं करना तुम, अब आइंदा दिखना नहीं इधर दुकान बंद कराने को। ओके हाँ हाँ ठीक है। आज 9 रमजान की शब, 10 रमजान की शब, अफजलगंज से जो फ्रूट मार्केट है और दूसरे दुकानें हैं वहां से सदर मोहतरम नखीबे मिल्लत को भी कंप्लेन आया और मुझे भी कंप्लेन आया कि यहाँ के जो ASI है ब्रह्मानंद ब्रह्मया जो भी है वो उनकी ड्यूटी के अंदर आके दुकानें आमदन बंद करा रहे हैं। पिछली मरतबा भी 2 दिन पहले ये हुआ था, 2-3 दिन पहले मैं अफजलगंज के सर्कल से बात किया, उन्होंने कहा नहीं साहब जियो आ गया हम बंद नहीं कराएंगे, मैं बोल दूंगा। और यहाँ पर आके खामा खा के चालान कर रहे हैं। अभी भी मैंने सर्कल से बात किया,
सर्कल साहब ने कहा कि मैं उनको वार्निंग देता हूँ जो भी एएसआई है कि दुकानों के पास नहीं जाना, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। अब एएसआई से मैं अभी मैं बात किया तो एएसआई बता रहे डीसीपी साहब बंद करो। कैसा बंद करो बोलते डीसीपी साहब, गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया, जियो आ गया कि ऑल एस्टैब्लिशमेंट विल बी ओपन इन द रमजान। क्या इंग्लिश पढ़ना नहीं आता एएसआई को, उनको कैसा बंद कराते, एक दुकान बंद कराएंगे अच्छी बात नहीं होगी। और मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत से कहता हूँ, मुतालबा करता हूँ और पुलिस के ऑफिसर से मुतालबा करता हूँ कि ये एएसआई जो भी बंद करा रहा है दुकान आकर और चालान कर रहा है उसको सस्पेंड किया जाए, उस पर एक्शन लिए आप, और जितने चालान किए हैं इस दौरान तमाम चालानों को कैंसिल करिए। गरीब लोग रमजान में बड़ी मुश्किल से धंधा कर रहे हैं, दिन भर धंधा करने के बाद ये पुलिस हर जगह पर जाके चालान करती है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। मैं पुलिस के आला अहदेदारों से और खसूसन डीसीपी और कमिश्नर से मैं मुतालबा करता हूँ, पुलिस कमिश्नर से, कि इनके खिलाफ एक्शन लीजिए और गरीबों को राहत दिलाइए आप। हम गरीबों के लिए, आप गरीबों का जो मेहनत करें, हुकूमत नौकरी नहीं दे सकती इनको, हुकूमत का काम है कि नौकरी फराम करे, नौकरी नहीं दे सकती। उसके बावजूद ये गरीब धंधा करते हैं, दिन भर धूप में ठहर के दुकानें खोल के मंडियों पर ठहर के धंधा कर रहे हैं, उनको रोजाना चालान किया जा रहा है। इन चालानों को बंद करिए और सीएम साहब भी मुतालबा करता हूं मैं कि आप इस पर एक्शन लीजिए सीएम साहब, कि गरीबों पर चालान जो ले रहे हैं चालान बंद कराइए और जो भी चालान है तमाम चालानों कैंसिल करिए। इस तरह के जो भी ऑफिसर जो हरकत कर रहे हैं ये आपको बदनाम करने के लिए, आपकी हुकूमत को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। आप एक अच्छा काम करें जब तमाम दुकाना खोले मजलिस के नुमाइंदगी के ऊपर, आपने असेंबली में कहा था जब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद दिनोई साहब की हिदायत के ऊपर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने असेंबली में पुरजोर नुमाइंदगी की। आपने असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि मैं यही से ऑर्डर दे रहा हूँ कि रमजान में और तमाम तीन जगने की रातों में तमाम दुकानें खुले रहेंगे, उसके बावजूद फिर इतना ऐसा हुआ। आपने जियो निकाला, आप जियो निकालने के बाद भी ये हो रहा है, तो आप इसके ऊपर इंक्वायरी कीजिए। आपको बदनाम करने के लिए, आपकी हुकूमत को बदनाम करने के लिए हो रहा है। हमारा काम है आपको आगाह करना, हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर दोबारा ऐसा होगा तो हम यकीनन फिर बाद में अगर कुछ होगा तो हमको नहीं कहना। शुक्रिया। कहते हैं खिजा और जेके का संगम जहाँ हो बात तो वही बनती है। पिस्ता हाउस हलीम, बेहतरीन गोश और असली मसालों का मिलन, इसमें कई किस्मों की दालें, जायका वो जो जबान से उतरते ही ऐसे घुले मिले कि दिल भर दे, खुशबू जो आपके तवज्जो को हर तरफ से खींचे। हैदराबाद की सबसे मशहूर हलीम पिस्ता हाउस हलीम, बार बार हमें इफ्तार की मेहमान नवाजी के मौके देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।